रहमान रहीम दोस्तों जिहड़े साडे दोस्त पाकिस्तान च रहिंदे ने जां बाहर कंट्रियां च रहिंदे ने असीं तीन इंटरनेशनल प्लेयर बैठे हाँ साडा लाला सगीर बाहर आउट कंट्री गया असीं ते हुण ही पहुंचे कोई एक महीने तो असीं अज इहनूं कोई थोड़ा बहुत कोई इहदा इंटरव्यू करांगे। लाला जी तकरीबन जी असीं साडे पाकिस्तान दे सारे प्लेयरां दा इंटरव्यू लिया गया है वाहद लाला सगीर जिहदा इंटरव्यू नहीं लिया उहदे विच मैं इरफान माना ते सजाद गुज्जर असीं दोवें जणे इहदा इंटरव्यू लै रहे हां इहदी जिंदगी दे बारे जिथों इहने स्टार्ट कीती है कबड्डी जिथों स्टार्टिंग भर्ती होया ते हुण इह तकरीबन रिटायरमेंट भी हो रहा है उहदे बारे भी सारी इहदे नाल गपशप लाउणा। हाँ जी लाला जी सानू ये दसो भी जिहड़ी तुहाडी कबड्डी की शुरुआत हुई है वो कितों हुई है ते कदों तुसीं भर्ती होए? असीं भर्ती भाई होया 2003 च काफ़ी सारे दोस्त से ना कि तुहाडा भाई मेरे नाल सही हो उस तो बाद कबड्डी असीं पहले शुरू की थी मतलब पिंडां दे जमींदारां नाल कबड्डी भी जिहड़ा आस्ता आस्ता ट्रेन करी ली काफ़ी नाल जिहड़ा जमींदारां भी करीदा सी फिर आस्ता आस्ता भर्ती हो गया अल्लाह का शुक्र है रिटायर भी हो गए इंटरनेशनल खेले हैं मंगी गांव नाल खेले हैं अर्च भी खेले बाद लाला जी पहली दफा पाकिस्तान की तरफों खेले सन च खेले हो 2006 भाई पहली दफा खेले उदों भाई तारा जा तारा गुजर भी नाल सी अच्छा चौंकी मसली सी नाल नाल मतलब अचमल से भाई शाल से उत्थे कैंप जिहड़ा इस्लामाबाद लगा दस जाते बड़ा मशहूर कैंप लगा जी उहदे च हाँ भी तुम तगड़े जो ज्यादा मतलब इंटरनेशनल लेवल से खेले हो तो तगड़े जो कबड्डी के कदों होए हो कि कैंप होए तगड़े तो खैर पहले भी ठीक थी पर कैंप में माशाल्लाह कैंप लांग लगा थी काफ़ी लंबा कैंप से उस खुराक बड़ी अच्छी टाइम भी अच्छा मिल गया ट्रेनिंग भी चंगी हो गई खुराक फिर बहुत ज़्यादा जो माशाल्लाह दसदा जावा जी 2006 कैंप लगा भाई शम्मत साढ़े इंटरनेशनल प्लेयर तो लाला सगीर तो मैं तिने एक कमरे के तो लाले नूं पुछा गया अपना भाई शम्मत ने भी छुट्टी नहीं जाना लाले ने आखिया नहीं मैं छुट्टी नहीं जाना इतने तो रोज़ ही वलीमे होंगे ने बिल्कुल इतना ही गल तो लाला जी तुहाडा नाम बसन चल रहा पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड के बच्चे लाले चल रहे ना तुहाडा लाला किहने रखिया सी कदों ना जिहड़ा तो ही जिहड़ा किहड़े सन दे विच पिया जी असीं भाई भर्ती होए ना मेरा भाई है वड्डा लाला तनवीर तो उन्हूं मैं लाला कहना सपने बड़े तो नवे नवे असीं जाने के कमरे च लाला रहने से ढाडा भाई भी आसमान वो मैं वे भाई लाला कहना तो उन्हें फिर उन्होंने वे लाला जी तो मैंने निके लाला शुरू करता उतों ना शुरू पै गया फिर साढ़ा बैदल आया 2009 अठ चौथे ट्रैल हो उसे मुशरफा ना लो जी लाले ने एक लाला बोर्ड तैयार कर लिया जी फिर पक्का ना पै गया सारे का लाला ही कहना तो लाला जी तुम रावलपिंडी अपना जो मरदान सेंटर तो तुम आए हो सफर किया ट्रैवल की पहली दफा फैसलाबाद की तो ये भी सुनने आया भी तुम एक नलके तो दो बारी पानी पीता सफर के दौरान वो जरा सू दस जरा लोगों को पता लग गए वो भाजी जिमीदार बंदे सर कहीं बाहर निकले कोई नहीं अड्डे तो मैं मरदान तो पहली दफा जा रहा फैसलाबाद वो लड़का कह रहा भी तू ना इतों लाहौर बह जा लाहौर फैसलाबाद बह जा मैं मरदानों बैठा लाहौर शेखुपुरे उतरिया राह च बत्ती चौंक उत्थे एक नलका से मैं ना उस बाद आना चाहता मूँह में धोता पानी शानी पीता अगर बनारे पाकिस्तान चले गए उत्थे गए जाके फिरते फुरते घंटा तो पहली दफा गए लाहौर उतों वापस ही बैठे ना फिर मारे पास बत्ती चौंक आ गए उसकी जगह आ गई ना बत्ती चौंक आ गए तो मैं क्या भी नलका फिर उसकी आ गए समझ नहीं आ रहा फिर रास्ते ही दो बार किस तरह आ गया तो इस तरह करके ना फिर दो बार आ गया नलका एक सफर से। अच्छा लाला जी तुम एक गल दसो भी असं भी प्लेयर हाँ तो भाई सजाद भी इन्होंने काफ़ी मैच खेलने बाद शुगर भी ने असी वार्म अप करते हैं भी थोड़ी थोड़ी जागिंग करते हैं फिर कुछ स्प्रिंट लाने 30 मीटर या 20 मिनट से डंड मारते हैं तुम जो ग्राउंड जाते हो मैच वास्ते वो वार्म अप तुम लत्तां नाल मिट्टी है इकट्ठी करनी शुरू कर देते हो वो की वार्म अप करते हो जां की लोग उसके बारे बहुत पुछते हैं भी ये लाला की करता है ग्राउंड जा के बस अपना अपना तरीका होंगे जी हर बंदे का वार्म अप करता मैं थोड़ी जी रनिंग करके तो थले बैग स्ट्रैच करनी होंगी है स्ट्रैच कि किस्म की है भी वह तो इंज लगता जो क्रेन ने छुआ थोड़ी रनिंग करनी थोड़ी रनिंग करके बह के स्ट्रिच करके थोड़ा जहा बटन का जोर ला के बटन वार्म अप कर लेने पसीना आ जाता है कबड्डी शुरू कर दे मिट्टी इंज कर वार्म अप कर दे हाँ जी वार्म अप लाला जी माशाला ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कर देते खुराक के बारे पूछना चाहूँगा कि माशाला तेरी कले नहीं लालिया की खुराक की है सारे लाले पता लगा भी कई दफा दो मान जरबूज खा जाते हैं
ਤਰਬੂਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੇੜਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀਹ ਦਸ ਵੀਹ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪੰਜ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰੇੜਾ ਪੂਰਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਰੱਖ ਛੱਡਣੇ ਦੋ ਜਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਦਸ ਵੀਹ ਕਿਲੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਹ ਕਿਲੋ ਬੱਕਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਖਾ ਜਾਓਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਖਾਈਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੂਦ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਲਾਦ ਬਣਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਲੇ ਹੋਣੀ, ਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਅਬੈਦੁੱਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਸਗੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜੇ, ਤੋ ਦੇਗ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ, ਚੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਾਫੀ ਦੇਗ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਗ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਡਰੈਕਟ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਚਾਂਸ ਕੌਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3000 ਟੂਰ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ।